पर देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए रुद्रप्रयाग पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है। वहीं पुलिस ने एक व्यक्ति को 114 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के विरुद्ध मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है। साथ ही पुलिस ने आम जनमानस से अपील की है कि आसपास नशे का कारोबार करने वालों की सूचना पुलिस को अवश्य दें। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है ड्रग फ्री देवभूमि, उसके तहत हम लगातार जो है रुद्रप्रयाग में इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें हमारे जो SOG की टीम है, जो हमारे थाने हैं, वो लगातार ऐसी जो ड्रग्स या NDPS के भंडारण है या उसका संचालन कर रहे हैं, उसका लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक जो है जनवरी से लेके अभी तक हमने 5 मुकदमे जो है उसमें लिखे हैं, और साथ साथ इसमें लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो भी ऐसी कोई अवैध कार्रवाई करता है या अवैध वस्तुओं का संचालन करता है या भंडारण करता है, उस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही कल हमने जो है 114 ग्राम चरस जो है बांसवाड़ा से पकड़ी है, और उसमें जो अभियुक्त है उस पर कार्रवाई करते हुए उसमें जेल में भी भेजा गया है।